आप सभी लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिन्हें आप लोग गुरु तेग बहादुर के नाम से जानते हैं, इनके 400वें वर्ष पर्व के मौके पर आप देखेंगे कि जो शीशगंज गुरुद्वारा है ना, यहाँ एक धार्मिक पाठ का उद्घाटन किया गया था। और आप समझिए कि धार्मिक जो भी धर्म है इस तरह के, इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत में आप लोग रह रहे हैं तो कम से कम अपने धर्मों के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि समय समय पर आपके जो धर्म गुरु होते हैं आपके धर्म की गलत परिभाषा करते रहते हैं और आप लोगों को लड़ाते रहते हैं। एक तरह से आप किसी भी धर्म धार्मिक ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, आप लोग हिंदू धर्म से हैं तो आप लोगों को उठा के देखना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको लड़ना सिखाता हो। और मैं तो कहता हूँ कि रामायण को आप लोग वैसे भी देखा होगा, आप में से अधिकतर लोगों ने, बहुत कुछ सिखाता है, अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। इसी तरह आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम आप कुरान पढ़ के देख लीजिए। ये तो क्या है कि आप लोग हमारे देश में आप देखिए कि बहुत पहले से ही बहुत सारे धर्म रहे हैं, समुदाय रहे हैं, हम लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम लोग एक रहते थे। अगर आज आपको लगता है किसी धर्म खतरे में है तो ये समझिए आप लोग कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपके नेताओं के द्वारा आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धर्म कभी खतरे में नहीं रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा भारत, ये देखिए पृथ्वी पर हमारा प्यारा भारत है, और हमारे भारत का आप समझ सकते हैं कि इतिहास बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। और आप सोचें कि इतने आसानी से भारत खत्म हो जाए, मुझे नहीं लगता है। कई देश आप देखते हैं सभ्यताएं बनी टूटी, कई देश बने टूटे, लेकिन भारत आज भी वहीं खड़ा हुआ है। तो ये तो लड़ाने की अगर काम करते हैं तो आपके नेता ही आपको लड़ाने का काम करते हैं। और आप देखिए, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब एक मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे धर्म को आप लोग भले ही किसी धर्म से हैं, अगर उसमें कोई आपको कहता है कि लड़ना सिखा रहा है तो वो गलत है। आपके जो गुरु हैं, जो भी आपके जो भी हैं, वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। आप अगर इस समय की बात करें तो आप सिख धर्म को जानते भी हैं कि एक तरह से इंसानियत की, अगर मानवता की मिसाल पेश करनी हो तो सिख धर्म में आप अभी भी देख सकते हैं। काफी आप देखते हैं कि मुसीबत हो तब भी मदद की जाती है इन लोगों के द्वारा, लंगर आप देखते हैं कि सालों चलता रहता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी करवाई जाती है। और आप जानते हैं कि आजादी में बहुत बड़ा योगदान भी इन लोगों का रहा है। तो आप अगर कहें कि कोई धर्म गलत है तो ये बिल्कुल गलत है, और इन्हें आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, और अपने बच्चों को भी एक तरह से मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए, कम से कम इंसान तो बने। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई धर्म है जो लड़ना सिखा रहा है तो उस धर्म ही नहीं है वो। ठीक है, सत्य की हमेशा बात की जाती है। देख लीजिए आप लोग, ये हमारा प्यारा भारत, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखिए आप लोग, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक, बहुत बड़ा फैला हुआ है, विभिन्न धर्म है। तो हाल ही में आप देखेंगे 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें वर्ष पर, यानी कि जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल में श्री खंड पाठ का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिए, सिख धर्म से जरूर क्वेश्चंस कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। वैसे तो सभी धर्म आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हर तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल रहा है आप देखेंगे 1621 से 1675 तक। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, और जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता की रक्षक यानी कि सृष्टि दी चादर के रूप में याद किया जाता है, और वो मानवता आपको दिखती भी है इन लोगों में। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे, और जिन्होंने आध्यात्मिक ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। और आप सोचिए कि इनमें अगर किसी धर्म में लड़ाई हुई है तो सत्य के लिए हुई है, धर्म युद्ध आप कहते हैं। जब भी रामायण देखते होंगे तो आप कहते होंगे ना, धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए। और उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। एक उत्साही यात्री भी थे, उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानकी शहर की स्थापना भी की थी। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बगैर मतलब आप समझिए कि इनसे भी आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस वन लाइनर में भी पूछ लेता है, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। बाद में आप देखेंगे पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। इस लाइन को भी आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। औरंगजेब ने इन्हें एक तरह से मृत्युदंड दिया था। सिख धर्म के बारे में अगर वैसे भी हम लोग बात करें तो पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य, यानी कि छात्र। सिख भगवान के शिष्य हैं, और जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर, एक ओंकार में विश्वास करता है, और इनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में भगवान को याद करना चाहिए, इसे सिमरन कहा जाता है। और आप समझिए कि एक भगवान है, सभी लोग कहते भी हैं कि एक ही भगवान मानते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अलग अलग रूपों में मानते हैं आप लोग, किसी को भगवान श्री कृष्ण भगवान, किसी भी तरह से आप लोग साईं भगवान भी मान लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें आप देखेंगे सिख अपने पंथ को गुरु मत, यानी कि गुरु का मार्ग, देवे ऑफ दी गुरु कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक, यानी कि इनका समय काल रहा है 1469 से लेकर 1539 द्वारा की गई थी। और बाद में आप देखेंगे 9 अन्य गुरुओं में ने इनका नेतृत्व भी किया, ठीक है। और सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित भी था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और एक सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्हें सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो, और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं। आचार संहिता आप सुनते रहते हैं कि चुनाव आचार संहिता, समझ रहे हैं, तो एक नियम होता है एक तरह से। और तथा पंथ की जांच निर्धारित भौतिक वस्तुएं, ये भी आपसे याद रखी, 5 निर्धारित भौतिक वस्तुएं, यानी कि एक केस है, कंघा है, कड़ा है, कच्छा है और कृपाण है, ठीक है, इन 5 को भी याद रखिए। सिख धर्म व्रत, तीर्थ स्थानों पर जाना, अंधविश्वास, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा आदि अनुष्ठानों की निंदा करता है, वो इन्हें नहीं मानता है एक तरह से, सीधी बात। यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल धर्म लिंग के लोग भगवान की नजर में समान है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि गरीब हैं, किस धर्म से हैं, कौन है, क्या है, सब आपके लिए, उनके लिए बराबर हैं। वहाँ रिश्वत का कोई मामला भी नहीं है, भेदभाव का कोई मामला भी नहीं होता होगा, वो तो हम लोगों ने बना रखा है यहाँ, ठीक है। सिख साहित्य की बात करें तो आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है, और इसी कारण इसे आप देखेंगे इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। दसम ग्रंथ की बात करें तो साहित्यकार और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद भी है। आप देखेंगे शिरोमणि गुरुआदा गुरु द्वारा प्रबंधन समिति, यह समिति पूरे विश्व में रहने वाले सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है, जिसे धार्मिक मामलों और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल के लिए 1925 में संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और इनके 10 गुरुओं को भी याद रखिए और इनसे जुड़ी हुए पॉइंटों को भी याद रखिए। सबसे पहले आप देखेंगे गुरु नानक साहब आते हैं, इनका समय काल रहता है 1469 से 1539 तक। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे, इस बात को आप लोग याद रखिए। और गुरु का लंगर की शुरुआत इन्हीं ने ही की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आप देखते हैं कि सामान्यतः लंगर चलते रहते हैं, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि गुरु का लंगर की सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो ये गुरु नानक देव साहब थे। वह बाबर के समकालीन थे, जब आप देखते हैं ना बाबर का समय रहता है, उसी समय की बात की जा रही है। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। और गुरु अंगद दूसरे थे, गुरु अंगद, इनका समय रहता है 1504 से 1552 तक। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया था, और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय किया इन्होंने, ठीक है। फिर आप देखेंगे आते हैं तीसरे नंबर पर गुरु अमरदास, इनका 1479 से 1574 तक इनका समय रहता है। इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी, और इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। ये अकबर के समकालीन थे, जो आप देखते हैं ना कि हिंदुओं में पर्दा प्रथा या सती प्रथा बहुत चल के बाद में होती है,
19वीं सदी के आप देखते हैं लगभग होती है, बातें उठती हैं, और आप समझिए कि इनकी बहुत पहले हो चुका था इनके धर्म में। फिर आप देखते हैं कि गुरु रामदास आते हैं, इनका समय रहता है 1534 से 1581 तक। इन्होंने वर्ष 1570 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की थी, पंजाब की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू किया था, कहाँ है, पंजाब अमृतसर में। फिर आते हैं आपके गुरु अर्जुन देव, इनका समय रहता है 1563 से 1606 तक, और इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी, और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया था, और वे शाहिदीन दी दे सरताज के रूप में विचलित भी थे, और इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। किसने, जहांगीर ने। फिर आप देखते हैं कि गुरु हरगोविंद आते हैं, इनका समय रहता है 1594 से 1666 1644 तक, 1594 से लेकर 1644। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया, और इन्हें सैनिक संत के रूप में जानते हैं। किसे, गुरु हरगोविंद को। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत किया था। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। किसने, गुरु हरगोविंद जी ने। फिर आते हैं गुरु हर राय, और इनका समय रहता है 1630 से 1661 तक, और ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने और आप देखेंगे मिशनरी के काम करने में समर्पित कर दिया था, गुरु हर राय ने। फिर आप देखते हैं कि गुरु हरकिशन आते हैं, इनका समय रहता है 1656 से लेकर 1664। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे छोटे गुरु थे, और इन्हें 15 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई, और इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया गया था। इनका डेट नहीं पूछेगा मुझे लगता है कि इनका समय कब कितना रहा है, आपसे इनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं से आपका अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा, और वैसे भी घटनाओं के बारे में ही आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि किसने क्या किया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गुरु तेग बहादुर आते हैं, ये 1621 से 1675 तक, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। अब आपसे डेट यहाँ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना चाहिए गुरु तेग बहादुर। फिर आप देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह 1666 से लेकर 1708 तक, इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। इन्होंने एक नया संस्कार पहुल शुरू किया, और ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के रूप में नामित भी किया है। तो ये है आपकी पूरी कहानी सिख धर्म की, और सिख होंगे तो आप लोग अधिकतर जानते भी होंगे अपने धर्म को, लेकिन मुझे अभी देखिए मैं किसी धर्म की मतलब पक्ष बात करने का कोई वो भी नहीं है, कारण भी नहीं, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अच्छे से अपनी इंसानियत मानवता निभा रहा है तो सिख धर्म अपवाद के रूप में हर धर्म को आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर लगा हुआ है कोई समाज सेवा या आपके ये इंसानियत में तो आपका सिख धर्म। बाकी तो आप देखते हैं कि नेताओं का काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है धर्मों पर, वो अपने हिसाब से इन्हें तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और भटकाते रहते हैं आप लोगों को, आपको बताते रहते हैं कि आपका धर्म खतरे में है। धर्म कभी खतरे में नहीं रहा है, और ना ही देश कभी खतरे में है। इनकी पॉलिटिक्स खतरे में होती है तभी आपका धर्म खतरे में आता है, इन्हें अपनी कुर्सी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता है। और ये समझ सकते हैं कि ये किसानों की मौत पर भी आप देखते हैं, सैनिकों की मौत पर भी, आम लोगों की मौत पर भी राजनीति की रोटियां सेंकते रहते हैं। तो इनसे बच के रहिए और मिलजुल कर बने रहिए, ठीक है।